लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर पूरा ब्रीफली में अच्छे से डिस्कस किया। ये 2.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, कुछ बच्चों के डाउट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या बता दें, px क्या ox की डिग्री के बारे में बता दें कि ऐसा कोई एग्जांपल दे दें जिसमें px की डिग्री क्या ox की डिग्री के इक्वल हो। पहले हमें पता होना चाहिए कि px क्या ox क्या होता है। क्या ox हमारा क्या होता है, दैट इज कोशेंट, और px हमारा क्या होता है, दैट इज डिवाइडेड। हमें कोई ऐसा एग्जांपल लेने की जिसमें डिवाइडेड की डिग्री कोशेंट की डिग्री क्या हो इक्वल। कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, px और हमारा क्या ox, और g of x क्या होता है हमारा, दैट इज डिवाइजर। अब हम इसमें एक ऐसे एग्जांपल लेने की जिसमें डिवाइडेड की डिग्री कोशेंट की डिग्री क्या हो इक्वल हो। जैसे मान लो यहां पे px, यहां पे हमने क्या लेट करना है, दैट इज g of x, सॉरी p of x, और वो p of x को किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर से। डिवाइजर माने क्या, दैट इज gx, और उसमें क्या आएगा हमारा, कोशेंट आएगा। और हमने इसमें क्या करना है कि डिवाइडेड की डिग्री कोशेंट की डिग्री इक्वल हो, और हमारा डिवाइडेड यहां पे क्या है, दैट इज px, इस px की डिग्री कोशेंट की डिग्री के इक्वल हो। कोई भी मैं ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो एग्जांपल है कि 5x स्क्वायर को मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो 5 किससे मैं डिवाइड करूं, 5x स्क्वायर आ जाएगा, किससे करेंगे, x स्क्वायर से। क्या आएगा, 5x स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा, 0। अब हम यहां देखते हैं कि हमारा, हमें क्या पता था, डिग्री ऑफ px, और px हमने क्या लिया, दैट इज 5x स्क्वायर। px हमारा क्या है, दैट इज 5x स्क्वायर। इस 5x स्क्वायर की डिग्री कितनी, डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी, दैट इज, और क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज x स्क्वायर, और x स्क्वायर की डिग्री कितनी है, दैट इज 2। वो दोनों टर्म्स आपस में क्या आके इक्वल आ गए। हमने यहां पे क्या करा, डिवाइडेड और क्वेश्चन की डिग्री को सेम बना दिया। डिवाइडेड हमने क्या ले लिया, 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कि दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। इसकी डिवाइडेड की डिग्री भी सेम है और क्वेश्चन की डिग्री भी सेम है, दैट इज 2 एंड 2। इसी से हमारा थर्ड पार्ट पे होगा, थर्ड पार्ट के बाद डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 के रिमाइंडर आए ना या के रिमाइंडर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाए। तो हम इसमें क्या एग्जांपल लेंगे, ये सेम एग्जांपल ले लेंगे कि 5x स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आएगा, x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर, और रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। रिमाइंडर को चाहे ना तो मैं 0 को लिख सकता हूं, 0 * x की पावर 0, क्लियर। या फिर कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको मुझे डिवाइड करना है x स्क्वायर से। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर आ जाए, किससे करेंगे, दैट इज 3 से, क्या आएगा, 3x स्क्वायर कट जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, 2। अब 2 के रिमाइंडर आ गया, इस रिमाइंडर के अंदर कोई भी x की टर्म नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन तो डिग्री ऑफ 2 * x की पावर 0, यहां पे डिग्री कितनी है, दैट इज 0, ओके। और इस क्वेश्चन में क्या बताना है, क्या ox, क्या ox हमारा यहां पे क्या, क्वेश्चन डिग्री ऑफ क्वेश्चन इक्वल प्रूव करने डिग्री ऑफ रिमाइंडर के, मतलब जो क्वेश्चन की डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल आनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी हमें यहां पे एक टर्म ले लेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया x क्यूब प्लस x, मान लो इसको मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब आने किससे करेंगे, x से, क्या आएगा, x क्यूब कट जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, रिमाइंडर x आ जाएगा। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या है हमारा, दैट इज x। इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, 1, और यहां पे रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 1। दोनों टर्म्स क्या आ गया आपस में इक्वल आ गए, ओके। जो अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।